नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन भाई तिमिशा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की मशहूर सब्जी बेसन की सेऊ, वो भी टमाटर प्यूरी में। कैसे बनती है आज हम आपको बताएंगे, और ये बहुत ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट होती है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 200 ग्राम बेसन, यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो सॉस ले रही हूँ, 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 कटोरी हम टमाटर का पेस्ट ले रहे हैं और 1/2 कटोरी हम प्याज का पेस्ट ले रहे हैं। और साथ में पीसे मसाले में चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच गुड़, सरसों का तेल। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को लेंगे और उसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर डाल लें। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल में है। और साथ में हम अजवाइन डालेंगे। बेसन की कोई भी चीज़ हो उसमें अजवाइन और हींग ज़रूर डालना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं, जैसे किसी किसी को बेसन नुकसान करता है, तो इसको डालने से आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और साथ में यहाँ पे हम नमक को ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें 2 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। तेल को हम थोड़ा सा मोयन के लिए ले रहे हैं और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम गुलटियाँ ना पड़े इसलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे। पानी हम उतना डालें जितना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो इसका डो होगा वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने डो तैयार कर लिया है, ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट है, हाथ पे चिपक भी नहीं रहा है। अब इसके हम सेऊ बनाना शुरू करेंगे। सेऊ बनाने के लिए हम सेऊ वाली मशीन ले रहे हैं। इसमें अच्छे से हमने तेल लगा लेंगे हम, और यहाँ पे हम थोड़े मोटे वाले सेऊ लेंगे। अगर आपके पास पतला वाला हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बस जब सब बनाते हैं ना इसकी ग्रेवी, तब इसको थोड़ा सा पतले वाले में कम पकाना होता है और इस वाले में इसे ज़्यादा पकाना होता है। अब इसको भी हम ऑयलिंग की ग्रीसिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 200 ग्राम बेसन लिया था, वो एक बार में हमारा इसमें बन जाएगा सेऊ। ये करीब 6 से 7 लोगों के लिए सब्जी बनेगी। और ये हमारा मशीन, हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था सरसों का। अब इसमें हम सेऊ निकालेंगे, और सेऊ को निकालते समय ध्यान रहे कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, कि एकदम से गोल्डन ब्राउन ज़्यादा हो जाए और अंदर से पके ना। जब ये हल्के से एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हल्के से सुनहरे, तब इसे आप दूसरी तरफ पलटेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब आप इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से आपको बाकी सेऊ जो भी हैं वो सब बनाने हैं। ये देखिए हमारे हो गए हैं, इन्हें हम निकाल ले रहे हैं। और दूसरे वाले भी हम इसी तरीके से हल्के सुनहरे होने तक की पलटेंगे, क्योंकि सेऊ जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं बनते हैं। इसको बस आपने डाला और दूसरी तरफ हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ और फिर पलटा, और फिर उसे बार बार नहीं पलटना होता है। और यहाँ पर हमने सारे सेऊ बना लिए हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और ये कितने कुरकुरे हैं। इसको आप हल्का छोटा छोटा कर लेंगे और फिर इसके हम सब्जी बनाएंगे। और सब्जी बनाने के लिए हमने टमाटर का पेस्ट पहले से बना लिया था। ये हमारे करीब 4 से 5 टमाटर हैं और हमारे 3 प्याज हैं। अभी हम सब्जी उसी में बना रहे हैं जिसमें हमने सेऊ बनाया है। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल ले रहे हैं और इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। तेल हमारा गरम था ऑलरेडी, इसमें हमने जीरा डाला है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हींग डाली है। और साथ में यहाँ पे हम खड़ा लाल मिर्च ले रहे हैं समूचा वाला, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। और कद्दूकस की अदरक या अदरक का पेस्ट आप ले सकते हैं, और इसको हल्का सा हमें चलाना है। और फिर यहाँ पे साथ में हम मसाले पीसे डालेंगे। पीसे मसालों में हम हल्दी, लाल मिर्च,
और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं और साथ में धनिया पाउडर। यहाँ पे हम मसालों को पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज बाद में डालेंगे। ज़्यादातर क्या होता है ना, तो पहले हम प्याज को भूनते हैं फिर हम मसाला डालते हैं, पर यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। पहले हम मसाले को हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद हम प्याज डालेंगे और प्याज के साथ हम मसाले को भूनेंगे, तो इससे स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमने प्याज डाल दिया है और साथ में एक चम्मच टमाटो सॉस डाला है, इससे थोड़ा सा हल्का सा मीठा आएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और इसे आपको इसी तरीके से चलाना है ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से पक जाए। जब मसाला हल्का सा पकने लगेगा ना तो आप उसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने से ना मसाले का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, अगर आप शुरू में मसाले में डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला पक गया है। जब मसाला पक जाए ना तो कढ़ाई में चिपकता नहीं है और तेल अलग होने लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। अब इसी में हम टमाटर को ऐड करेंगे। जो हमने पिसा हुआ टमाटर लिया था वो हमने इसमें डाला है, और टमाटर को भी हमें 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हमें पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि मेन इसमें जो होता है ना वो टमाटर का फ्लेवर होता है, जिससे ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब टमाटर को हम पकने देंगे। टमाटर हमारा पक गया है अच्छे से। अब इसमें हमने जो सेव बनाए थे वो इसमें हम डालेंगे। सेव को हमने छोटा छोटा टुकड़ा इसका तोड़ लिया था इस तरीके से हाथ से। अब इसमें हम टमाटर हमारे पक गए हैं, इसमें हम सेव को ऐड कर देंगे। जितने भी हमने बनाए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा काफ़ी सब्ज़ी बन जाएगी इसमें, और 6 से 7 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड करने के बाद इसे हम बराबर चलाएंगे, क्योंकि जो बेसन होता है वो पानी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है। बेसन क्या कहते हैं, बेसन की कोई भी सब्ज़ी हो तो उसमें थोड़ा सा पानी को हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है। अब इसमें हम इसे इसी तरीके से हम इसे पकाते रहेंगे, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो सबसे लास्ट में मेन चीज़ इसकी हम डालेंगे, जो इसके स्वाद को दुगना कर देगा। और ये हमारा सब्जी अच्छे से तैयार हो गई है। उस सेव की ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। अब इसमें हम इस मीठे के लिए चीनी या गुड़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गुजराती सब्जी हो और उसमें मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे इसमें गुड़ को ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसे 1 मिनट चलाएंगे और हमारी सेव की सब्जी तैयार है। इसे आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस या रोटी के साथ। यहाँ पे मैंने राइस और रोटी बनाई थी, उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ, और साथ में लेमन ले रही हूँ। लेमन से ये सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।